रीजन वाई यूएसए ने बहुत अच्छा खेला है, कमांडिंग पोजीशन में थे हमेशा। आमिर सेव्ड द मैच, शाइन, आमिर सब ने कोशिश की। 37 ओवर वो जीते हैं हमसे, अगर देखा जाए पूरा मैच 37 ओवर वो जीते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट पुल इट ऑफ। वी वर नेवर देयर एज अ बैटिंग यूनिट एंड बॉलिंग वी did good in the patches, but having said that, it is very disappointing. I told you they, मैंने प्रोग्राम में पहले भी कहा था बैठे हुए कि US has nothing to lose but to win everything, and they created a history. And unfortunate है, US is winning against Ireland and Pakistan losing in India. That's gonna be a very bad place to be. पाकिस्तान डू अर डाई सिचुएशन बन गई, इंडिया पाकिस्तान गेम नाउ, सो पाकिस्तान नीड्स टू गो आउट देयर टू सॉर्ट आउट योर थॉट प्रोसेस प्लीज। रियली ऑनेस्टली आपको ये सोचना पड़ेगा कि फ़खर को दायरे में खेलना कि नहीं खेलना। इज द मैच विनर एंड आप सबको अपनी देखना पड़ेगा यार कि हमें कैसे मैनराइज करना है, क्योंकि इतनी अच्छी विकेट के ऊपर जब पाकिस्तान टॉस हारा था तो आधा मैच वहीं हार गया था, क्योंकि चार फास्ट बॉलर थे इनकी बॉलिंग, ऑब्वियसली बाद में रिवर्स स्विंग हुआ, अच्छा हुआ, बट पाकिस्तान वॉज नेवर देयर। अगर आपको देखें एनालिसिस करें, पाकिस्तान वॉज लॉस्ट राउंड बट 36 ओवर्स, ओनली 4 ओवर्स पाकिस्तान बोल्ड वेल एंड दे केम बैक इन द गेम, एंड देन अनफॉर्चुनेटली सुपर ओवर में कुछ भी हो सकता था, बट इट्स डिसअपॉइंटिंग, बट डोंट लूज होप यार। लिसन, इट्स अ डू एंड डाई गेम फॉर अगेंस्ट इंडिया नाउ फॉर अस। आई कैन गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑन द मैच, बट यू नो Pakistan team needs us and needs the support, and we'll keep on supporting that. There's a do and die match against India now. Let's prepare for that now and sort out your thought process and your combination and think about it, what needs to be done. I think there's a lot needs to be done. You know, again, sakta, but you know, it's too much pressure on the Pakistan team right now. Losing against USA, that is two, that is the first game. That is a very embarrassing loss. Pakistan, best of luck for against India. That's all I can say.